हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली रोजगार पर। दोस्तों, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई एक और न्यू शानदार भर्ती की जानकारी लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश शासकीय विभाग भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों फाइनली मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट की न्यू एवं बम्पर वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए सुपरवाइजर और क्लर्क के विभिन्न पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती के अंतर्गत मेल एवं फीमेल यानी कि सभी लड़के और लड़कियाँ ही सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क लगने वाला नहीं है। आप सभी बिल्कुल फ्री में ही इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस वैकेंसी के अंतर्गत संपूर्ण पात्रता मानदंड क्या निर्धारित किए गए हैं और आप सभी स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसी हेतु कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकाली गई शासकीय विभाग की न्यू एवं बम्पर वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति भोपाल के अंतर्गत रिलीज किया गया है, जो कि दोस्तों यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी लिंक आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। वहां जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक करके संपूर्ण जानकारियों को पूरा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी यहां पर देख ही सकते हो, मध्य प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति मध्य प्रदेश भोपाल संचालनालय सैनिक कल्याण मध्य प्रदेश की शाखा भोपाल हेतु एक अस्थायी सुपरवाइजर एवं एक अस्थायी लिपिक की आवश्यकता है। पद हेतु प्रतिभागी को निम्न अर्हता होना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, यह भर्ती मुख्य रूप से अस्थायी सुपरवाइजर और अस्थायी लिपिक यानी कि क्लर्क पदों के लिए रिलीज की गई है, जिसकी संपूर्ण जानकारी यहां पर प्रदान की गई है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आप सभी के लिए इस भर्ती के अंतर्गत कौन कौन से पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। दोस्तों, तो आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी के लिए अस्थायी सुपरवाइजर और अस्थायी लिपिक के पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि यह भर्ती मुख्य रूप से भूतपूर्व सैनिक और सिविलियन के लिए रिलीज की गई है, जिसमें आप सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता सभी सेम ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यदि हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, तो आपके लिए बता दें, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं और इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है। यदि आप सभी सिविलियन हैं, तो आप सभी के लिए ग्रेजुएशन या फिर बीकॉम पास होना आवश्यक है। तो आप सभी इन दोनों पदों के लिए सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी की मिनिमम आयु 18 और अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, दोनों ही पदों के लिए अप्लाई करने के लिए आप सभी के पास कंप्यूटर का नॉलेज होना भी आवश्यक है और आपके लिए हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग का नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप सभी इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब दोस्तों यदि हम सैलरी यानी कि वेतन विवरण की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें, दोनों पदों के हिसाब से आप सभी के लिए अलग अलग वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि दोस्तों आप सभी सुपरवाइजर पद पर चयनित होते हैं, तो आपके लिए पर मंथ 21,501 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आप सभी लिपिक यानी कि क्लर्क पद पर चयनित होते हैं, तो आपके लिए पर मंथ 14,750 रुपये का वेतन मिलने वाला है। अब दोस्तों, तो यदि इसके पश्चात हम इस भर्ती की चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो आप सभी के लिए बता दें, इस भर्ती के अंतर्गत आपका सिलेक्शन 4 चरणों के आधार पर होने वाला है। सबसे पहले आप सभी की लिखित परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, उसके पश्चात आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर उसके पश्चात आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा और अंतिम चरण में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आप सभी के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, आप सभी की परीक्षा 18 जून 2024 को सुबह 9 बजे जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भोपाल बाणगंगा चौराहा भोपाल में आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यदि हम महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें, तो आपके लिए बता दें, इसकी आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ ऑलरेडी ही किया जा चुका है और आप सभी 13 जून 2024 तक इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, तो यदि इसके पश्चात हम इस भर्ती की अप्लाई प्रोसेस यानी कि आवेदन की बात करें, तो आपके लिए बता दें, इस भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने का मोड पूर्ण रूप से ही ऑफलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित किया गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए सर्वप्रथम इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा,
जिसकी लिंक आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई गई है। इसके अलावा आप सभी इस एप्लीकेशन फॉर्म को अपनी स्क्रीन पर शो हो रही इस आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के पश्चात सर्वप्रथम आप सभी के लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है। सभी जानकारियों को दर्ज करने के पश्चात आपके लिए इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर लेना है और अटैच करने के पश्चात आपके लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाक के माध्यम से मध्य प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति संचनालय सैनिक कल्याण मध्य प्रदेश GTB कॉम्प्लेक्स TT नगर भोपाल इस कोड पर भेज देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी इस जीमेल पर भी सभी डॉक्यूमेंट्स को भेज सकते हैं और इस वैकेंसी हेतु सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जून 2024 निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका इस वैकेंसी के अंतर्गत आवेदन सफलतापूर्वक ही कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। यदि आप सभी के लिए इस भर्ती से संबंधित और कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो आप सभी हमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आपको मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित प्रत्येक छोटी छोटी और न्यू वैकेंसी की अपडेट ऐसे ही सबसे पहले प्राप्त हो सके।